स्ट्रेच मार्क्स त्वचा में हल्की सफेद धारियों को कहा जाता है, जो कि यूजुअली त्वचा में खिंचाव के कारण होते हैं। आमतौर पर स्ट्रेच मार्क्स प्रेगनेंसी एडोलेसेंट में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अचानक वजन घटने या बढ़ने से भी शरीर के विभिन्न भागों में स्ट्रेच मार्क्स दिखने लगते हैं। स्ट्रेच मार्क्स से जुड़े लोगों को कई सारे भ्रम है। चलिए देखते हैं क्या है वो भ्रम। बहुत से लोगों को ये लगता है कि स्ट्रेच मार्क्स सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में ही होते हैं। हालांकि ये सच है कि 90% गर्भवती महिलाओं में स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। आमतौर पर स्ट्रेच मार्क्स छठे या सातवें महीने में दिखने लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेच मार्क्स को सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से ही जोड़ा जाए। पुरुष भी इससे बचे नहीं है। त्वचा में हुए अचानक बदलाव के चलते स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। अचानक वजन बढ़ना या घटना इसकी बड़ी वजह है, जो कि पुरुषों में भी समान रूप में दिखती है। कई सारे लोगों को ये भी लगता है कि त्वचा के खिंचाव से ही स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं। ये सोचना निरानिर बेवकूफी है कि सिर्फ त्वचा में हुए खिंचाव के कारण ही स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। एक्सपर्ट्स की मानो तो त्वचा के मुख्य रूप से तीन परतें होती है। आमतौर पर स्ट्रेच मार्क्स मिडिल परत, जिसे की डर्मिस कहते हैं, उस पर पड़ती है। हार्मोनल वजहों के चलते भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि स्ट्रेच मार्क्स केवल पेट में ही होते हैं, शरीर के और किसी भी भागों में स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते हैं। ये सोचना बेवकूफी से कम नहीं है कि स्ट्रेच मार्क्स सिर्फ पेट में ही होते हैं, जबकि गर्भावस्था में साफ पता चलता है कि स्ट्रेच मार्क्स वक्ष, जांघ, नितंब, घुटने, कोहनी आदि जगहों में भी दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि पतले लोगों में स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स अक्सर हार्मोनल और जेनेटिक कारणों से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडोलेसेंस के पूर्व और एडोलेसेंस में स्ट्रेच मार्क्स मोटापे के चलते नहीं, बजाय हार्मोन संबंधी बदलाव के चलते होते हैं। कुछ बीमारियों में भी स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं, जैसे कि मॉर्फिन सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम एक्सेट्रा। बहुत सारे लोगों को ये भी गलतफहमी है कि टैनिंग होने से स्ट्रेच मार्क्स हट जाते हैं। ध्यान रखें कि टैनिंग करने से स्ट्रेच मार्क्स हटते नहीं हैं। टैनिंग स्ट्रेच मार्क्स को सिर्फ ढकने का काम करते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो कई बार टैनिंग स्ट्रेच मार्क्स की स्थिति को और भी भयानक बना देते हैं। कभी कभी सफेद रंग के स्ट्रेच मार्क्स और भी गाढ़े रंग के नजर आने लगते हैं। बेहतर है कि स्ट्रेच मार्क्स के लिए टैनिंग के ऑप्शन को न चुने। हम में से कई सारे लोगों को अपने बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स होते ही है, और इस वीडियो में बताए गए भ्रम के अलावा और भी बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं जो लोगों को स्ट्रेच मार्क्स के बारे में है। अगर आपको भी ऐसी ही कोई गलत फहमी है जो कि स्ट्रेच मार्क्स से रिलेटेड है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.